सभी साथियों को जय भीम। आप सबके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल 2020 को होगी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में उनके साहित्य पर, उनके कामों पर जानने की कोशिश में हम इसी कड़ी में आप सबके बीच में हैं। जैसे कि हम हर बार करते आए हैं, एक कविता से शुरू करना चाहेंगे, जो दलित साहित्य के और जो एक वरिष्ठतम की श्रेणी में आते हैं, कमल भारती जी की कविता का आज मैं वाचन करना चाहूँगी। उसके बाद हम फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वॉल्यूम जो संपूर्ण वांग में है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनुभूति, कमल भारती जी लिखते हैं, अनुभूति हम भूखे कुत्ते टूट पड़ते तुम्हारे समाज पर, हम भूखे कुत्ते टूट पड़ते तुम्हारे समाज पर, चिथड़े चिथड़े कर देते तुम्हारे जिस्म का मांस। यदि हमारी सूख जाती मानवीय अनुभूतियां, धर्म से उठ जाता विश्वास। इसी कड़ी में हम एक और कविता का पाठ कमल भारती जी का करना चाहेंगे। चिड़िया जो मारे गई, गोरख पांडे ने लिखी थी कविता। एक थी चिड़िया, एक चिड़िया थी, चिड़िया भूखी थी इसलिए गुनाहगार थी। गोरख पांडे ने लिखी थी कविता, एक चिड़िया थी, चिड़िया भूखी थी इसलिए गुनाहगार थी। मारी गई वह चिड़िया जो भूखी थी, लेकिन गोरख पांडे ने गलत लिखा था। वह चिड़िया भूख से नहीं, चिड़िया होने से पीड़ित थी। कवि इस अनुभव से गुजरा नहीं था, उसकी श्रेणी जन्म से पूज्य थी। गरीबी नहीं, सामाजिक बेइज्जती अकर्थी थी। सामाजिक बेइज्जती अखरती है, वह कैसे जानता। वह चिड़िया थी इसलिए गुनाहगार थी, चिड़िया थी जो मारी गई। कमल भारती जी की कविता को आपने सुना। अब हम एक छोटी सी कविता सुशीला टाकभोरे जी की भी लेना चाहेंगे। हमारे हिस्से का सूरज, लाख कोशिशें की हैं दुश्मनों ने हमारे हिस्से के सूरत को ढाकने की, फिर भी चमक रहा है दुनिया के आकाश में हमारी क्रांति सूर्य। क्रांति सूर्य चमक रहा है, तब भी हमारे अपने कुछ लोग अंधेरे के अभ्यस्त आंखें मूंद कर ही चलते हैं। सदियों की गुलामी है, ऊपर देखने की आदत ही नहीं। कैसे देखेंगे क्रांति सूर्य को, कैसे समझेंगे जागृति और परिवर्तन के आकाश को। कुछ लोग जागे हैं, आगे बढ़ गए हैं, जो पीछे हैं पीछे ही रह गए। अपनी आज़ादी के आंदोलन का अगुआ नेता दिखाई नहीं देता इन्हें। दुश्मनों के बहकावे में चल देते हैं उन्हीं के पीछे आंखें मूंद कर। कैसी स्वतंत्रता, कैसा लोकतंत्र, जानते नहीं संविधान में मिले अधिकार। आज भी निश्चित तुच्छ पुस्तैनी रोजगार में लगे अपमान और अभाव का जीवन जी रहे हैं ये लोग। भविष्य के लिए बाप का बेरोजगार, बेटे के लिए इसी तरह आने वाली हर पीढ़ी को देते रहेंगे अपमान की जिंदगी, प्रगति की रोशनी से अनभिज्ञ। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण कहीं का नहीं छोड़ेंगे इन्हें। बनकर रह जाएंगे बंधुआ मजदूर, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, भुखमरी, गुलामी कब मुक्त हो पाएंगे। अनभिज्ञ है ये अपनी ही स्थिति से। क्रांति सूर्य चमक रहा है, प्रगति और समाज परिवर्तन का प्रकाश फैला है सब ओर, फिर भी ये अंधेरे में भटक रहे हैं। अपने हिस्से का सूरज आंख मूंद कर ढूंढ रहे हैं। ये थी सुशीला टाकभोरे जी की कविता। एक छोटी सी कविता जो कमल भारती जी की
एकदम फिट बैठती हैं आज के समय में। मैं उसका वाचन और करना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। तुम क्या कहोगे, जिसका शीर्षक है तुम क्या कहोगे, जिसमें जन्म लेते ही अभिशप्त हो जाती हैं, अस्पृश्यता से लागू हो जाती हैं निर्योग्यताएं, दास्ता बन जाती है नियति, अपमान जिंदगी, उस धर्म को तुम क्या कहोगे। कमल भारती जी लिखते हैं, जिसे जिसमें जन्म लेते ही अभिशप्त हो जाते हैं अस्पृश्यता से लागू हो जाती हैं निर्योग्यताएं, दास्ता बन जाती है नियति, अपमान जिंदगी, उस धर्म को तुम क्या कहोगे। जिसमें समर्थन हो कोटि मनुष्यों की नीचता का, आदेश हो उन्हें दास क्रम करने का, निषेध हो पढ़ने और धन कमाने का, साफ कपड़े पहनने, सभ्यता के रहने का, उन धर्मशास्त्रों को तुम क्या कहोगे। जिन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नहीं गौओं और विप्रों के रक्षार्थ लिया था जन्म, मनुष्यता को किया था विभाजित, न्याय को सीमित, उन देवताओं को तुम क्या कहोगे। ये थी कमल भारती जी की कविता। आगे बढ़ते हैं हम। दलित युवाओं को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि से किसी से कम नहीं हैं, दूसरे ऐशो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो कुछ मैं कर पाया हूँ वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। जिस कारमा को आप यहाँ देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते हैं के बावजूद इस कारवा को बढ़ते रहना है। अगर उन्हें मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहें तो उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर यह अब है, पर किन्हीं भी परिस्थिति में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए यह यही संदेश है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये वक्तव्य आज के दलित आंदोलन युवाओं को, जो एक आज भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो देता है, उनकी जो पीड़ा थी, उनका जो दुख दर्द था, वह इसमें साफ झलकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आगे कहते हैं कि कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहां शोषण का समूल नाश कर दिया गया हो, जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता हो, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि और रोजी रोटी की हानि के भय से मुक्त हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो काम करने की जो एक अधिकार है, एक तरह से काम का अधिकार, हर हाथ को काम मिले उसका अधिकार, इस पर विस्तार से चर्चा की है। इसी चर्चा में हम आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगी कि अगर आपको आवाज़ में कहीं भी कठिनाई महसूस होती हो, क्योंकि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। आगे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वॉल्यूम पर चर्चा करना चाहेंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय का दो भाग है, इस पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। दूसरी चर्चा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, खंड 16, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी जब अमरण अनशन पर बैठते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बयान देते हैं उस बयान को हम पढ़ना चाहेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज भी मुझे लगता है। जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के पक्ष में जो अनेक तर्क किए जाते हैं उनमें से एक है कि मुख्यतः यह उसके ही प्रभाव का प्रताप है कि सभी प्राचीनतम देशों में से केवल भारत का ही अस्तित्व आज तक बना और बचा हुआ है। आज जिस तरीके की त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, कोरोना जिसका आज नाम है COVID-19, उसमें भी ये हम बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ भारत ने सदियों से चीज़ों को झेला है, आक्रमणकारियों का सामना किया है,
गुलामी की प्रथा को सहन किया है, फिर हम आगे बढ़े हैं, हमारी भारत की जो मूल जो संरचना है उस पर आगे बढ़ते हुए, परिवर्तन की तरफ जाते हुए हम आगे बढ़ते गए हैं, इसको भी हम पार कर लेंगे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मानना था, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, तो हमारा विश्वास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन वाक्य को पत्थर की लकीर की तरह देखता है जो उन्होंने कहा है कि आज तक भी हम अपने अस्तित्व को बचाकर रखे हुए हैं। ये जो कथन है एक तरह से सहजता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इस कथन की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। अस्तित्व में बने रहने के हमारे अनेक तरीके हैं और उन सभी की समान रूप से प्रशंसा नहीं की जा सकती। अवसर को देखते हुए रण क्षेत्र में पीछे हटने से संभव है कि कमजोर श्रेणी के लोगों को जीवित रहने का मौका मिल जाए। हो सकता है कि नत होने या घुटने टेकने की क्षमता भी स्थिति का डटकर मुकाबला करने की भांति ही किन्हीं लोगों के जीवित रहने की शर्त बन जाए। अतः सामान्य धारणा की भांति यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि युग युग में किन्हीं लोगों का अस्तित्व चला रहा हो तो वे युग युग से फल फूल और सुधर रहे हैं। महज महत्व तो अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गुणता और अपने स्तर का है। कोटेड है, बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी मार्के की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगी हमारे दर्शकों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारे जो जितने जय भीम को मानने वाले हैं, हम तमाम प्रगतिशील और अच्छी सोच के साथी हैं, वो इस चीज़ के महत्व को समझें। महत्व अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं महत्व अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गुणता और उसके स्तर का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं कहते थे कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण होना चाहिए, उस जीवन में आप क्या कर पाते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में, जिसमें विस्तार से लिखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी दोनों का जो जो वार्तालाप था वो कैसे होता है। गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यता और उनके संवैधानिक संरक्षण की मांग के प्रति श्री गांधी जी के संबंध में बयान जो 19 सितंबर 1932 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। हरे भगत जी, क्या आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे? हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे? जी माही सिद्धू जी, अब आपकी आपको मेरी आवाज़ क्लियर दिखाई सुनाई दे रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम लोग गोलमेज सम्मेलन के जो स्पृश्यता और उनके संवैधानिक संरक्षण की मांग के गांधी जी के रवैये के संबंध में 19 सितंबर 1932 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बयान दिया था उसके ऊपर हम चर्चा में थे। समाचार पत्रों में छपे श्री गांधी और सर सैमुअल होर और प्रधानमंत्री के मध्य हुए पत्र व्यवहार पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दीपक एकलव्य जी, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? विजय बोध जी, भाई साहब जय भीम, आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? अगर आप मुझे हाँ, महिपाल जी, आप अब ठीक सुन पा रहे हैं मुझे? मैंने आवाज को बढ़ाया है, थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आप क्लियर आ रही है। यस, थैंक यू राहुल जी और शिलेंद्र बौद्ध जी, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। समाचार पत्रों में छपे श्री गांधी और सर सैमुअल होर और प्रधानमंत्री के मध्य हुए पत्र व्यवहार पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बयान है जो उन्होंने 19 सितंबर 1932 को गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, अस्पृश्य और उनके संवैधानिक संरक्षण की मांग जो थी उसके ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बयान था।
दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना को अंग्रेज सरकार अपनी इच्छा से अथवा जनमत के दबाव में संशोधन नहीं करती है अथवा योजना को वापस नहीं लेती। उस पर गांधी जी ने अमरण अनशन करने का संकल्प व्यक्त किया है, उसे पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आश्चर्य प्रकट करते हैं पत्र को पढ़ने के बाद। श्री गांधी ने इस प्रकार की घोषणा कर मुझे जिस नाजुक परिस्थितियों में डाल दिया है उसकी सहज से ही मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि श्री गांधी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्न से उत्पन्न इस मुद्दे को व्यापक विषय की छोटी सी बात कहा था, जान की बाजी कैसे लगा बैठे। वास्तव में यदि श्री गांधी के दृष्टिकोण को शब्दबद्ध किया जाए तो सांप्रदायिक प्रश्न भारतीय संविधान का मुख्य अध्याय न होकर परिशिष्ट मात्र है। यदि श्री गांधी इतना बड़ा कदम देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उठाते तो उसका औचित्य होता, जिसके लिए यह गोलमेज सम्मेलन में बराबर बल देते रहे। यह भी दुखद आश्चर्य है कि सामूहिक निर्णय में दलित वर्ग के लिए दिए गए विशेष प्रतिनिधित्व को ही अलग करके आत्म बलिदान का बहाना ले रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साफ शब्दों में ये कहते हैं कि जो अस्पृश्यों को, अस्पृश्य लोगों को, अछूतों को जो संवैधानिक संरक्षण देने की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बात की थी, जिसकी एवज में गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, तो गांधी जी को ये कहते हैं कि अगर यही अमरण अनशन देश की आजादी के लिए किया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। दुखद आश्चर्य ये है कि सामूहिक निर्णय में दलित वर्गों के लिए दिए गए विशेष प्रतिनिधित्व को ही अलग करके आत्म बलिदान का बहाना गांधी ले रहे हैं, श्री गांधी ले रहे हैं। प्रत्येक निर्वाचन केवल दलित वर्गों के लिए ही नहीं स्वीकार किया गया बल्कि भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन यूरोपियों, मुसलमानों और सिखों के लिए भी स्वीकार किया गया है। जमींदारों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए भी पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया है। श्री गांधी ने मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों और धर्मावलंबियों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध किया था। अब भी श्री गांधी ने सबको छोड़कर केवल दलित वर्गों को स्वीकृत विशेष प्रतीक निर्वाचन को समाप्त करने का मुख्य मुद्दा बनाया। मेरे विचार में गांधी जी ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्याख्या के परिणामों के विषय में जो आशंका प्रकट की है वह शुद्ध काल्पनिक है। यदि मुसलमानों और सिखों को अलग निर्वाचन मिल जाने से राष्ट्र को खंडित होने का खतरा नहीं है तो दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन दे देना हिंदू समाज को खंडित होना नहीं कहा जा सकता। श्री गांधी के सोच से अन्य संप्रदायों के लिए विशेष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए तो शायद राष्ट्र खंडित न होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुतों को यह मत है कि स्वराज संविधान के अंतर्गत बहुसंख्यक दल के अत्याचारों को देखते हुए यदि किसी वर्ग को अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता है तो वह वर्ग है दलित वर्ग। यह एक वर्ग है जो निसंदेह अपने अस्तित्व के संघर्ष को जीवित रखने की स्थिति में नहीं है। जिस धर्म से वे बंधे हुए हैं वह उनके सम्मानित स्थान देने के बजाय कुछ कुष्ठ रोग कहता है जो व्यवहार बर्ताव के योग्य नहीं। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि दलित वर्ग 2 जून की रोटी जुटाने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर निर्भर करता है। न केवल अपने जीवन के सभी मार्ग हिंदुओं के पूर्वग्रह के कारण बंद है बल्कि हिंदू समाज द्वारा सदा प्रयत्न किया जाता है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि दलित वर्ग को अवसर न मिल पाए कि वे ढंग से जी सकें। वास्तव में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि प्रत्येक गांव में सवर्ण हिंदू आपस में विभाजित है, परंतु उन दलित वर्गों को जो वहां कम संख्या में हैं और बिखरे हुए हैं निर्दयता से दबाने के लिए सदा षड्यंत्र रचते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सभी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति यह स्वीकार करेंगे कि ऐसी जाति के लिए संगठित अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करके सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है कि उनको राजनीतिक अधिकार देना आवश्यक बनाया जाए। मुझे यह सोचना था कि दलित वर्गों के हित चिंतक को एडी चोटी का जोर लगाकर उन्हें नए संविधान में अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार दिलाए, परंतु श्री गांधी के सोचने के ढंग ही निराले हैं जो मेरी समझ से परे हैं।
दलित वर्गों को सांप्रदायिक फैसले के अंतर्गत जो अधूरे राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं वह न केवल उन्हें बढ़ाए जाने का प्रयत्न कर रहे हैं बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर जो कुछ अधिकार उन्हें मिले हैं उनमें भी वंचित करने पर तुले हुए हैं। दलित वर्गों के राजनीतिक अस्तित्व को पूरी तरह तबाह करने का यह प्रयत्न नहीं है पहला। बहुत पहले अल्पसंख्यक समझौता हुआ था, गांधी ने मुसलमानों और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने का प्रयत्न किया। मुसलमानों ने जो 14 मांगे प्रस्तुत की थी उनको गांधी ने इस बात पर समर्थन देने की पेशकश की थी कि उनके बदले में दलित वर्गों के लिए उन्हें सामाजिक प्रतिनिधित्व के जो दावे रखे हैं उनका विरोध करने के लिए मुसलमान श्री गांधी का साथ दें। एक बहुत एक हमारे लिए सोचनीय थी स्टेटमेंट कि किस तरीके से गांधी जी ने मुसलमानों के साथ एक तरह से दबाव बनाया उनकी पेशकश को स्वीकार करते हुए कि अगर मुसलमान उनकी बात का समर्थन करें और सामाजिक प्रतिनिधित्व जो दलित वर्ग प्रतिनिधित्व रख रहा है उसका विरोध करें तो वह उनकी मांग मानने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम प्रतिनिधियों को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने ऐसी काली करतूत श्री गांधी का हाथ बांटने से इनकार कर दिया। दलितों को मुसलमानों और श्री गांधी द्वारा उत्पन्न संभावित स्थिति से बचा लिया। सांप्रदायिक पचाट के प्रति श्री गांधी का विद्रोह मेरी समझ में नहीं आता। वह कहते हैं कि इसके द्वारा दलित वर्ग सवर्ण हिंदू समाज से अलग कर दिए गए हैं। दूसरी ओर डॉक्टर मुंजे जो हिंदुओं के बहुत जबरदस्त समर्थक हैं और उनकी वकालत करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं के विचार से इस विषय में बिल्कुल भिन्न है। लंदन में से वापस आने के बाद डॉक्टर मुंजे ने जितने भाषण दिए हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सांप्रदायिक निर्णय दलित वर्ग को हिंदुओं से पृथक नहीं करता। वास्तव में वह इस बात की शेखी बगाड़ते हैं कि उन्होंने मुझे हिंदुओं से दलित वर्ग को राजनीतिक ढंग से अलग करने के प्रयत्न से पराजित कर दिया। मुझे यकीन है कि डॉक्टर मुंजे सांप्रदायिकता की सही व्याख्या करते हैं। यद्यपि मैं इस बात में यकीन नहीं करता कि इसका श्रेय डॉक्टर मुंजे को जाता है, इसलिए यह बड़े आश्चर्य की बात है श्री गांधी सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं वर्ण राष्ट्रीय व्यक्ति कहे जाते हैं। दलित वर्गों से संबंधित सांप्रदायिक निर्णय का वह अर्थ लेते हैं जो डॉक्टर मुंजे जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति के ढंग से बिल्कुल विपरीत है। यदि डॉक्टर मुंजे की दृष्टि से सांप्रदायिक निर्णय से दलित वर्गों के लोग हिंदुओं से अलग नहीं हो जाएंगे तो श्री गांधी को जो उस व्याख्या से तो जो श्री गांधी को भी उस व्याख्या से संतोष कर लेना चाहिए जो डॉक्टर मुंजे करते हैं। मेरे विचार में सांप्रदायिक निर्वाचन में केवल हिंदुओं को ही नहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए वरन दलित वर्गों के उन लोगों को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए जैसे राव बहादुर राजा, श्री बालू और गवई जो संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हैं। विधानसभा में श्री राजा के गर्जन तर्जन ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। पृथक निर्वाचन के कट्टर समर्थक और सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों के कुटतम आलोचक होते हुए भी अब वह संयुक्त निर्वाचन के पक्षधर और हिंदुओं के प्रेमी हो गए हैं। इसमें कितना हाथ उन्हें गोलमेज सम्मेलन में शामिल न हो जाने का है, कितना ईमानदारी से विश्वास बदल लेने का, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। श्री राजा सांप्रदायिक पचाट की जिस ढंग से आलोचना कर रहे हैं उसके दो बिंदु है। एक तो यह कि दलित वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में जितनी सीटें मिलनी चाहिए सांप्रदायिक पचाट में उससे कम सीटें मिली हैं, और दूसरी यह है कि सांप्रदायिक पचाट से दलित वर्ग के लोग हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। मैं उनकी पहली चिंता से सहमत हूँ, परंतु गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व जिन लोगों ने किया है उन पर दलित वर्गों के अधिकार बेचने का राव बहादुर द्वारा दोषारोपण करने पर मुझे कहना पड़ रहा है कि जब वह इंडियन सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे तब उन्होंने क्या किया था। उस कमेटी की रिपोर्ट में दलित वर्गों को मद्रास में 150 सीटों में से 10 सीटें, बम्बई में 4 सीटों में से 8 सीटें, बंगाल में 200 में से 8 सीटें, संयुक्त प्रांत में 182 में से 8,
पंजाब में 166 में से 6, बिहार और उड़ीसा में 150 में से 6 सीटें, मध्य प्रदेश में 125 में से 8 सीटें तथा असम में दलित वर्गों और आदिम जातियों की 75 में से 9 सीटें मिली थी। मैं इस बयान पर और कुछ नहीं कहना चाहता कि सीटों का उपयुक्त बंटवारा कहां तक जनसंख्या के अनुपात से मेल खाता है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बंटवारा दलित वर्गों के यथोचित प्रतिनिधित्व को बहुत कम रखता है। स्वयं राजा जी सीटों के उस बंटवारों में एक पक्ष थे। सांप्रदायिक पचाट की आलोचना करने से पहले राजा साहब को अपनी स्मृति को झिझोड़ कर देखना चाहिए कि उन्होंने इंडियन सेंट्रल कमेटी में बिना कोई विरोध किए सीटों के उस बंटवारे को दलितों की ओर से कैसे स्वीकार कर लिया। राजा साहब के अनुसार यदि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दलित वर्गों का प्राकृतिक अधिकार था तो उस अधिकार की सुरक्षा करना नितांत आवश्यक था। परंतु प्रश्न यह है कि राजा साहब ने सेंट्रल कमेटी के उस निर्णय पर क्यों जोर नहीं दिया ऐसा करने से, जबकि उनके पास ऐसा करने का अवसर था। उनके कथन से कि सांप्रदायिक पचाट में दलित वर्गों को स्वर्ण हिंदुओं से अलग कर दिया गया है, मैं सहमत नहीं हूं। यदि राजा साहब को वास्तव में पृथक निर्वाचन पर कोई आपत्ति है तो पृथक निर्वाचन में उम्मीदवारों के रूप में खड़े होने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डालेगा। राजा साहब पूरे जोर से दलित वर्गों को विश्वास दिलाते हैं कि अब दलित वर्ग के प्रति सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्हें यह प्रमाणित करने का अवसर मिलेगा कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने पर भी दलित वर्गों के लोगों को अभी उनकी जवानी जमा खर्ची पर विश्वास नहीं है। हिंदू दलित वर्ग के प्रति जो प्रेम और सहानुभूति जता रहे हैं उन्होंने भी राजा साहब की को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से विधानमंडल में भेजने का अवसर मिला है, वे तब अपनी ईमानदारी का परिचय अवश्य दें। इसलिए मेरे विचार से जो लोग अलग निर्वाचन के पक्ष में हैं और जो संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हैं दोनों को सांप्रदायिक पंचांग ने संतुष्ट कर दिया है। इस अर्थ से यह एक समझौता है, इसे जो का त्यों सबको मान लेना चाहिए। जहां तक गांधी जी की बात है मैं नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यदि गांधी जी अलग निर्वाचन प्रणाली के विरुद्ध हैं तथापि वह संयुक्त निर्वाचन और सीटें के संरक्षण के विरोध में नहीं है, यह बहुत बड़ी भूल है। आज उनके विचार कुछ भी हों जब वह लंदन में थे तब किसी ऐसी व्यवस्था के पूर्णतया विरुद्ध थे, चाहे वह संयुक्त निर्वाचन अथवा प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में हो। वैसे मताधिकार पर आधारित सामान्य निर्वाचन में मत देने के अधिकार के अतिरिक्त श्री गांधी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने की अस्पृश्यों की अछूतों की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह वह स्थिति थी जो श्री गांधी ने पहले अपनाई थी। गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर गांधी ने मुझे एक योजना सुझाई थी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि वह उस योजना पर विचार करने के लिए तैयार हैं। यह योजना पूर्णतः परंपरागत थी जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं थी। उस योजना के अंतर्गत निर्वाचन कानून के अनुसार एक भी सीट दलित वर्गों के लिए सुरक्षित नहीं रखी गई थी। वह योजना क्या थी? वह योजना ये थी, दलित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन में अन्य सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। यदि दलित उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हार जाए तो वह इस आधार पर चुनाव याचिका दायर कर सकता है कि उसे अछूत होने के कारण पराजित कर दिया गया है। यदि इस आधार पर अस्पृश्य उम्मीदवार के पक्ष में फैसला हो जाता है तो गांधी जी ने कहा कि वह कुछ हिंदू सदस्यों को सीट दिलाने के लिए त्याग पत्र देने के लिए कहेंगे, तब दोबारा चुनाव होगा। उस चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों के विरुद्ध अथवा अन्य अस्पृश्य उम्मीदवार खड़ा होकर अपना भाग्य अजमाए। यदि वह दोबारा चुनाव हार जाता है तो वह पुनः उसी आधार पर चुनाव याचिका दायर करेगा कि उसे अस्पृश्य होने के कारण हरा दिया गया है, और यह सिलसिला बेरोटोक चलता रहेगा। मैं इन तथ्यों को इसलिए उजागर कर रहा हूं कि कुछ लोगों को अब भी भुलावा है कि संयुक्त निर्वाचन आरक्षित सीटों से ही गांधी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जब तक गांधी जी की ओर से कोई वास्तविक प्रस्ताव सामने नहीं आते इस पर विचार करना व्यर्थ है।
कुछ भी बता देना चाहता हूँ कि श्री गांधी और उनके कांग्रेस के आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकता कि वे आवश्यक कदम उठाएंगे। मैं भाषण में मैं अपने लोगों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को परंपराओं और आश्वासन के भरोसे नहीं छोड़ सकता। गांधी अमर व्यक्ति नहीं है और कांग्रेस पर ऐसा कोई नैतिक दबाव भी नहीं है जो उनकी बात सदैव ब्रह्म वाक्य मानकर चले ही। बहुत आत्मा आई जिनका एकमात्र उद्देश्य अस्पृश्यता मिटाना और अस्पृश्यों का उद्धार करना था। सभी महात्माओं को असफलता, महात्मा लोग आए और चले गए, लेकिन सदैव अस्पृश्य ही बने रहे। सुधारकों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले सुधारों के बारे में महाड़ और नासिक के आंदोलनों से काफी अनुभव हुआ है, जिनसे मैं कह सकता हूं कि दलित वर्गों का ऐसा कोई हित चिंतक नहीं है जो उन्हें उनके ऊपर दिए जाने वाले बर्बर अत्याचारों से छुटकारा दिलाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके। ऐसे समाज सुधारक जो मुसीबत के क्षण में अपने भाई बंधुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की अपेक्षा समाज सुधार के अपने सिद्धांत को ही तिलांजलि दे देते हैं, दलित वर्गों के लिए बेकार हैं। इसलिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी चाहता हूं। यदि श्री गांधी सांप्रदायिक पचार्थ में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह ऐसे प्रस्ताव सामने लाए और सिद्ध करें कि उनके प्रस्ताव सांप्रदायिक प्रचार द्वारा दी गई गारंटी की अपेक्षा बेहतर गारंटी देते हैं। थैंक यू। मुझे आशा है कि गांधी जी ने जो अतिवादी कदम उठाने की ठानी है वह उनके उसका विचार छोड़ देंगे। जब हम पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम हिंदू समाज को हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि हम पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं तो हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी ऐसाई जनता सवर्ण हिंदुओं की दया पर ही निर्भर रहने के लिए न छोड़ दी जाए। गांधी की तरह हमें भी गलती करने का अधिकार है और हमें आशा है कि वह हमें अपने उस अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। उनका आमरण अनशन का इरादा किसी और अच्छे के लिए हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। आमरण अनशन जैसे अतिवादी कार्य यदि वह हिंदू मुसलमान दंगों के विरोध में करते अथवा अन्य किसी राष्ट्रहित में करते तो उसका कुछ अर्थ समझ में आता। श्री गांधी का यह अनशन निश्चित रूप से दलित वर्गों की दशा में कोई सुधार नहीं ला सकता। श्री गांधी चाहे यह जानते हों अथवा नहीं, उनके इस अनशन का सारे देश में उनके अनुयायियों द्वारा दलित वर्गों के प्रति आतंकवाद, इस तरह का दबाव दलित वर्गों को हिंदू समाज से नहीं जोड़ सकता, अलग होने से नहीं रोक सकता। यदि वे इस समाज से बेहतर बाहर जाने का संकल्प कर लें, यदि श्री गांधी दलित वर्गों में हिंदू धर्म और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने दो में से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहे तो मेरा पूरा विश्वास है कि श्री गांधी को अनशन से बचाने हेतु दलित वर्गों के लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना ही पसंद करेंगे। यदि श्री गांधी अपने इस कदम के परिणामों के विषय में ठंडे दिमाग से विचार करें तो मुझे संदेह है कि उन्हें उल्लेखनीय विजय, यह अब भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे प्रतिक्रियावादी और अनियंत्रित शक्तियों को श्री गांधी छूट देकर हिंदू जाति और दलित वर्ग की नफरत की भावना को और उत्तेजित करेंगे और दोनों वर्गों के बीच की खाई को और चौड़ा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन में जब मैंने श्री गांधी का विरोध किया था तब देश में मेरे विरुद्ध काफी हुल्लड़ मचा था और अपने को राष्ट्रीय समाचार पत्र कहने वाले अखबारों ने मुझे राष्ट्रीय हित में अड़ंगा डालने वाला देशद्रोही करार देने का षड्यंत्र रचा था। मेरी पार्टी के विरुद्ध होने वाली सभाओं के समाचारों को समाचार पत्र बढ़ा चढ़ाकर छापते थे। हालांकि कुछ सभाएं होती ही नहीं थी। दलित वर्गों में पारस्परिक विभेद करने के लिए रिश्वत का खुला लालच दिया गया, कुछ हिंसक वारदातें भी की गई। यदि गांधी उपयुक्त सभी प्रकार की बातों की बड़े पैमाने पर
पुनरावृत्ति नहीं चाहते तो भगवान के लिए अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। मुझे विश्वास है कि श्री गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं, परंतु यदि वह अपना अमरण अंशन नहीं छोड़ते तो उनके न चाहते हुए भी उनके दुष्परिणाम उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना निश्चित होता है। यह बयान समाप्त करने से पहले मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं समझता हूँ कि बात अब समाप्त हो चुकी है, परंतु तब भी मैं श्री गांधी द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि श्री गांधी मुझे इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि मैं उनके जीवन तथा अपने निसाय लोगों के अधिकार में से किसी एक को चुनूं, क्योंकि भविष्य में मैं अपने लोगों की आने वाली पीढ़ी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़ कर रहने के लिए कभी नहीं कहूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी को दिया गया अमरण अनशन के बाद एक ओपन बयान था जिसको बार बार आलोचना के रूप में देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात आज हम इस चर्चा में ये कर रहे हैं कि गांधी जी को महात्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शायद कहीं नहीं कहा। मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 21 वॉल्यूम एक तरह से पढ़ने की कोशिश की है। अभी नहीं कहूँगी कि मैं पूरे पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ओशन के लिटरेचर की तरह है, एक अथा समुद्र है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिटरेचर का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू सोसाइटी उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है। अंत में भगवान गौतम बुद्ध के शब्दों में आज की चर्चा हम समाप्त करना चाहेंगे। जिस प्रकार अपने जीवन का खतरा उठाते हुए माँ अपने शिशु की देखभाल करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम करने के लिए मन बनाना चाहिए। उसे संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। ऊपर नीचे और उस पार सभी के लिए उसके मन में घृणाहीन और शत्रुता रहित अबाध प्रेम होना चाहिए। ऐसी जीवन पद्धति विश्व में सर्वोत्तम है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये सीरीज आप सबके सामने रखी है, वार्तालाप की, पाठ वाचन की, संपूर्ण वांग्मय का हम अध्ययन करते जा रहे हैं। कल एक बार फिर हम नए खंड के साथ आप सबके साथ बीच में मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल के आप लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया कि ये बहुत अच्छी सीरीज है, मुझे और ज़्यादा हौसला मिला। हम लोग अगर साहित्य को वितरण नहीं कर सकते दूर दराज के क्षेत्र में, तो हम फेसबुक के माध्यम से, जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। स्वच्छकार भारत की आवाज़ कौशल पवार के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सारे के सारे जितने भी देश विदेश में, जो लगभग सभी तो नहीं, मेरा हार्ड डिस्क 2-3 भरी हुई हैं अपने लेक्चर्स की, तो मैं अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैंने उसको प्रोफेशनल बनाया भी नहीं है यूट्यूब चैनल को। लेकिन आने वाली जनरेशन मेरे द्वारा की गई बात भी आप लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैंने सारे लेक्चर, कुछ अपने लेक्चर उसमें डाले हुए हैं। आप सब मेरे उस चैनल को भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, 129वीं जयंती जो 14 अप्रैल को होगी, उस तक ये सीरीज हम लोग आपके साथ बीच में साझा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। आप सबका प्रेम यू ही बना रहे। सेफ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की नीतियों का पालन करें, खुद अपनी नीति का पालन करें और एक स्वस्थ मन के साथ हम बहस में आएं। लोकतंत्र देश में हम हैं जहाँ विचारों को आदान प्रदान करने का साझा अधिकार सबको है। अगर किसी भी तरह के कोई भी बात पे आप असहमति दर्ज करते हैं तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत।